आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सीख लिए और समझ लिए, आपकी प्लेइंग स्टाइल जो है वो आज से ही इतनी डिफरेंट, इतनी इनोवेटिव, इतनी स्टाइलिश हो जाएगी कि आपको भी नहीं पता चलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, प्रेस कर लेना है बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे चैनल और मेरी वीडियो से हर रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अभी तक हमने इस चैनल पे 55,000 सब्सक्राइबर गेन कर ली है। आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ आप हमारी शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप हमारी वीडियोज़ और चैनल को शेयर करते रहिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फ्री लर्निंग, फ्री क्लासेस वो भी ले पाए और अच्छे अच्छे लेसन सीख पाए। और जैसे हम 75,000 क्रॉस कर जाएंगे, तो आपके लिए एक स्पेशल सी सीरीज मैं लेके आऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया है। तो जल्दी से जल्दी 75,000 पे लेके जाइए हमें, और आपके लिए एक स्पेशल सीरीज आपके लिए आ जाएगी। मैं हूँ अमित, आप देख रहे हैं मुझे फ्रंट रो के यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट के बारे में। फर्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा कैपो। कैपो से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, इसके जो भी यूजेस हैं, बिगनर्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग के डेज में, क्योंकि बिगनर्स के लिए बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बार कॉर्ड्स नहीं जिनको प्ले करने आता है, आपने काफ़ी वीडियोस में सुना होगा बार कॉर्ड्स नहीं आते हैं, तो ओपन कॉर्ड्स में आपको कैपो के साथ दिखा देता हूँ। तो ये कैसे एडजस्टमेंट है, इतना डीपली मैं आपको नहीं बताऊँगा, और ये सही है या गलत है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करने वाला हूँ, बट हम जानेंगे ये कैसे वर्क करता है बेसिकली। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये यूज़ होता है हमारा बार फिंगर की जगह। बार फिंगर हम यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारा बार आ गया है ना, तो ये मेरे नॉर्मली एक बार कॉर्ड है, तो बिगनर्स के लिए काफ़ी टफ रहते हैं बार कॉर्ड्स, तो ये बार फिंगर की जगह ये काम करता है। अब नॉर्मली अगर मेरा बार फिंगर ये है और मेरा ये शेप आ रहा है, तो मेरे को ये हटा के ये मेरा कॉर्ड बन जाएगा। तो ये हम ओपन कॉर्ड्स में ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं, बट आपको मैं मेन बताने वाला हूँ जो इसका स्केल मैनेजमेंट है। स्केल मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, अब एग्जाम्पल तौर पे अगर कोई एक सॉन्ग का जो ओरिजिनल स्केल है वो है ए मेजर। ए मेजर अब काफ़ी लोग आपको बताते हैं कि आप सेकंड फ्रेट पे कैपो लगा लो, आपका ए मेजर बन जाएगा, जी मेजर ये बन जाएगा। अब बट मैं बात करूँ स्केल मैनेजमेंट की। स्केल मैनेजमेंट आपका होगा जब आप एक सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, अब उसमें उस सॉन्ग में उसके कुछ लो नोट्स भी होंगे, हाई पिच भी होगी, लो पिच भी होगी, हाई पिच भी होगी। अगर आपको लगता है वो आपकी वोकल आपके रेंज के अकॉर्डिंगली लो पिच पे आप इजीली गा पा रहे हैं, हाई रेंज भी गा पा रहे हैं, देन आप उसको ओरिजिनल स्केल में ही गाइए। बट अगर आपको लगता है कि उसका हाई पिच मेरे से नहीं गाया जा रहा है, मेरा वोकल नहीं है, इतना रेंज नहीं है, आपको कॉर्ड्स की शेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसको मूव करना है। आप सपोज करो ए मेजर स्केल है, तो मेरा जी मेजर पे कोई सॉन्ग है, जी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ये तीन कॉर्ड्स अगर मैं सपोज करूँ एक सॉन्ग है, तो मेरे को क्या करना है, अगर वो हाई नोट मेरे से नहीं है तो मैंने ट्राई करना है एक नोट नीचे लेके, अब मैंने जी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर फर्स्ट फ्रेट पे कैप हो गया ना, पहले सेकंड पे था अब फर्स्ट पे हो गया, तो वैसे यूज़ करना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार ये भी थोड़ा सा हाई है, तो आपने क्या करना, कैपो को हटा देना और आपने ओपन जी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर। तो ऐसे आप अपने स्केल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऐसे भी हाई गा सकता हूँ, तो आपने इसको इसी अकॉर्डिंगली आपको बढ़ाते जाना है। तो जहाँ तक आपको लगता है आपकी रेंज, आपकी वोकल है, उसी अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो एक ट्रिक या आप रिफ बोल दो, इफेक्ट बोल दो, जो मैं अपनी वीडियोस में भी काफ़ी यूज़ करता हूँ, और आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं उस पॉइंट से रिलेटेड, तो वो पॉइंट पहले सुन लेते हैं, देन मैं आपको सिखा भी देता हूँ उसको कैसे आप ले कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग इफेक्ट, तो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये कैसे प्ले किया, तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये बेसिकली एक इफेक्ट है जो आप स्ट्रमिंग के साथ आप सॉन्ग में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको और स्टाइलिश बनाने के लिए, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हार्डली 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आप ये मतलब आराम से प्ले कर सकते हैं। तो इसको सीखेंगे कैसे, आपको बस यूज़ करना है अपने टॉप वाली स्ट्रिंग को, जो आपकी ई स्ट्रिंग है, थिकेस्ट स्ट्रिंग है, आपको बस इसको यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करना है, अब आपने मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर में से आपने कोई एक फिंगर को चूज़ कर लेना है कि किससे आप ले करोगे अपने हाथ के अकॉर्डिंगली, मेरे लिए इंडेक्स फिंगर भी ईजिली है। अब अपने हाफ फ्रेट से आपने आगे चले जाना है, अब जैसे मेरा 5th आ गया, 7th आ गया, 8th, तो 8th से लेके 10th तक आपने कहीं पे भी फ्रेट पे आपने अपने इंडेक्स फिंगर या
मिडल फिंगर रख लेनी है। जैसे सपोज करो मैंने इंडेक्स फिंगर रख ली अपनी 10th फ्रेट पे, 10th से आपने ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बट आपने 10th 11th मैक्सिमम, ठीक है, और बाकी फिंगर्स के साथ आपने म्यूट कर दी बाकी स्ट्रिंग्स को। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो बस आपको स्ट्राइक करना है अपने टॉप वाली स्ट्रिंग को, और आपकी जो आप स्ट्राइक कर रहे हो वो मेक श्योर आपके नीचे वाली स्ट्रिंग्स को ये साउंड नहीं आनी चाहिए, आपकी बस आपकी ये साउंड आनी चाहिए। मतलब मेरी सिर्फ टॉप स्ट्रिंग को स्ट्राइक हो रहा है, नीचे वाले स्ट्रिंग्स को नहीं लग रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है नहीं पूरा नीचे जा रहा हाथ, तो आप इसको म्यूट कर सकते हैं। अब जैसे ही साउंड आ रही है, जैसे ही बस साउंड आ रही है, अब आपने क्या करना है, आपने इस अकॉर्डिंगली इसको स्लाइड करना है। बस यही छोटी सी चीज़ है और आपको इसको इसी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना है और सेम आप भी सीख जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा कॉर्ड हैमर। कॉर्ड हैमर, इससे पहले हमने नोट हैमर, जब हम लीड्स प्ले करते हैं तो हमने ये नॉर्मली हमने सबने ये हैमर एंड पुल ऑफ सुना है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कॉर्ड हैमर। कॉर्ड हैमर बेसिकली आप यूज़ करते हो कर सकते हो अपनी जो आपका प्लेइंग है वो आपको उसको और स्टाइलिश और इनोवेटिव आपने बनाना है, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से है जो मैं करता हूँ अपनी वीडियोस में, सॉरी अपने सॉन्ग्स जब मैं प्ले करता हूँ लोगों के सामने। तो इसमें क्या है, सपोज करो अब आप एक नॉर्मल स्ट्रमिंग आप कोई भी पिक कर लो, ओपन, आई होप आपको ये साउंड इफेक्ट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या सुनाना चाहता हूँ। यहाँ मैं डी मेजर या ई माइनर, तो ये आप प्ले कर सकते हो। जैसे आप सपोज करो इस चीज़ को आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट आपको अच्छा लगेगा सीखने के बाद। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है म्यूटिंग इफेक्ट। म्यूटिंग इफेक्ट एक ट्रिक है बेसिकली, जो आप सॉन्ग के टाइम पे जब आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, स्ट्रमिंग प्ले कर रहे हैं, तो उसके टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे साउंड करता है, अब इसमें क्या अलग हो रहा है नॉर्मल स्ट्रमिंग से, नॉर्मल जो आप सॉन्ग प्ले करते हो उसके कंपैरेटिवली, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखो मैंने एफ मेजर कॉर्ड पकड़ा हुआ बट उसकी साउंड नहीं आ रही, तो वो क्या रीज़न हो सकता है, मैंने सिर्फ शेप ली हुई है उसकी बट मैंने जो स्ट्रिंग्स है उसको होल्ड नहीं किया हुआ, उसको प्रेस नहीं किया हुआ। तो आप भी इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, म्यूटिंग इफेक्ट इसको ही बोलते हैं। अब जैसे मैंने एक नॉर्मल स्ट्रमिंग प्ले करो, आप देखो मैंने कॉर्ड की शेप भी पकड़ी हुई है और मैं स्ट्रमिंग प्ले कर रहा हूँ फिर भी मेरी साउंड नहीं आ रही। अगर अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ देन इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, देन प्रेस कर रहा हूँ देन रिलीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यू रिदम आपका रखना है। आप सारे कॉर्ड्स के साथ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से सॉन्ग्स ऐसे ही प्ले होते हैं म्यूटिंग इफेक्ट के साथ। अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर फिफ्थ के बारे में। तो जो हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ है वो एक ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, या जिसको मैंने नाम दिया है कॉर्ड्स के साथ हरकतें। कॉर्ड्स के साथ हरकतें मीन्स आपको कॉर्ड्स के साथ कुछ पंगे लेने हैं। अब जैसे सपोज करो सी मेजर कॉर्ड है, अब सी मेजर में मेरा इंडेक्स फिंगर भी है, मिडल फिंगर भी यूज़ हो रहा है, रिंग फिंगर भी यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसको इंडेक्स फिंगर को उठा दूं तो वो क्या, उसका क्या साउंड कैसा आएगा। अब सपोज करो आप ये साउंड सी मेजर प्ले कर लो आप, और मैंने इंडेक्स फिंगर उठा दी, अब मैंने मिडिल फिंगर उठा दी अब रख दी,
अब रिंग फिंगर उठा दें। अगर मैं ए माइनर प्ले करूं ए माइनर में, अब मेरी पिंकी फिंगर जो अगर है वो आप देख रहे हो आप फ्री पड़ी है, तो अगर मैं पिंकी फिंगर को हमारे थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे रख दूंगा तो कैसी साउंड आएगी? अब ए माइनर की जो साउंड है वो ऐसी है। अगर मैं वो रख दूं तो क्या वो बुरी लगेगी अच्छी लगेगी, वो हम देख लेते हैं एक बार। अच्छी लग रही है। तो ऐसे से पंगे आपको लेते रहने हैं कॉर्ड्स के साथ, आपको अपने हिसाब से। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये ए माइनर की साउंड है, मुझे इंडेक्स फिंगर हटा देनी, तो ये भी साउंड अच्छी लग रही है। तो आप अपने से कुछ कुछ पंगे ले सकते हैं। अगर मैं जी मेजर की एग्जांपल लूँ तो जी मेजर, अब जैसे हम एक शेप ले लेते हैं, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हमारी जो पिंकी फिंगर आती है थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे, वो मैं लिफ्ट कर लेता हूँ वहाँ से, और मेरी साउंड आ रही है ऐसे। नॉर्मली मेरी जी मेजर की साउंड होती है ऐसे। अगर मैं स्ट्रमिंग के साथ इसको प्ले करूँ तो आप इसको इंट्रो में कैसे ऐड कर सकते हैं? और एक और कॉर्ड की एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ए मेजर। ए मेजर में मेरे जो मेरी शेप आ गई, उसमें आपने क्या करना है, पिंकी फिंगर को आपने लिफ्ट करना है और आपने हैमर करना है बार बार। तो ऐसी सी चीज़ें आपने करते रहनी है। आप अपने से भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, और आप नई नई चीज़ें खुद से जब आप इन्वेंट करेंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट गिटार में आता रहेगा। सो गाइस, वक्त हो गया हमारे इस वीडियो से जाने का, और मुझे होप है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा और आप ट्राई भी करने वाले हैं। तो प्लीज़ ट्राई करके हमें बताइए, और अपने फीडबैक आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कोई डाउट भी है, क्वेरी भी है इस लेसन या हमारे पास्ट लेसन्स के रिगार्डिंग या गिटार म्यूज़िक किसी से भी रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे आने वाले अपडेट्स के लिए, और गिटार को प्ले करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। थैंक्स।